गुरु जी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहे हैं, इस लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी एक दो चीजें और पूछनी थी मुझे। थोड़ा धैर्य रखना, भड़बड़ाना नहीं बस। नहीं गुरु जी, यहाँ आने के बाद से कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। गुरु जी प्रणाम। खुश रहिए बेटा। गुरु जी मैं यहाँ डीएनए में हम दो लोगों को ही रखा है। मैं जयपुर से आई थी, विशेष रूप से अपने हस्बैंड के लिए आई थी। वो जब मैं आई थी तब आईसीयू में थे और वेंटिलेटर पे थे, तो अभी आप बताएं ये कैसी स्थिति है उनके। कोई बात नहीं, अभी हैं कहाँ? अभी जयपुर में ही हैं। घर पर हैं? नहीं नहीं हॉस्पिटल में हैं। आईसीयू में हैं? आईसीयू में हैं। ठीक, कि दो लोग रखे ना आपने? हाँ जी। आंखें बंद, ओम ऊर्जा वर्धन प्रहार 5 बार बोलिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोलिए, बंधन कीजिए 5 बार अपना। ओम, अपनी पति की फोटो खोलिए, फोटो निकालिए पति की। पति को आपको देखते हैं, उन्हीं को कष्ट है। ओम, ऑक्सीजन ऑक्सीजन कितना इस समय देखा जाए। सत्तर और 80 के आसपास चल रहा है इस समय। उनका ऑक्सीजन लेवल 70 और 80 के बीच में है। हाँ जी गुरु, आपको क्या सोचना है? सर अभी हमें बताया कि पहले वेंटिलेटर पे थे, 2-3 दिन से हटा दिया है। तो अब इस समय क्या है ऑक्सीजन का लेवल? सर मुझे गुरु जी जानकारी नहीं है मुझे। कल की जानकारी थी? नहीं, बस स्थिति बेहतर बता रहे हैं। कुल मिलाके 70 से 80 के बीच में है प्रेजेंट टाइम। हाँ, उनको एक्चुअली स्ट्रोक सा लगा है ब्रेन में, है ना? हाँ, ये जानकारी है आपको? नहीं नहीं, स्ट्रोक लगा है बेटा। और अब वो वेंटिलेटर में नहीं है। हाँ जी, हाँ सही बात है। लेकिन बाहर है वो, जहाँ वहाँ भी स्थिति उनकी जो आईसीयू जैसा वैसा ही है ना। वहाँ पे जो मशीन बता रही है 70 और 80 के आसपास मॉनिटर में बता, आप फोन करके पूछ सकते हैं, बताएगा वहाँ जो आदमी होगा। ठीक है, ठीक है। हार्ट को भी दरबार ने ठीक किया है, हार्ट की भी सर्जरी की दरबार ने भी। ठीक है गुरु जी। नाभि से नीचे पूरा शिथिल हो रहे थे नीचे पैर की तरफ। हाँ, मतलब जब मैं आई थी तो पैर बिल्कुल ठंडे थे उनके, डॉक्टर ने कहा पैर शिथिल, ये पूरा नाभि से नीचे शिथिल हो रहे थे। हाँ जी, दरबार ने भी चिकित्सा की है, किडनी उनकी ठीक की है, कैंसर की गांठें तमाम निकाली गई उनके अंदर से, दरबार ने हटाया जो। हाँ जी, जो सूक्ष्म रूप से हटाते हैं वो सब हटाया गया है। गुरु जी लीवर ट्रांसप्लांट के लिए बोल रहे हैं अभी। स्पाइन उनकी ठीक की गई है अभी, अभी एक बार देखने तो बेटा चल रहे हैं ना, अभी तो चलते जा रहे हैं। फेफड़ों में कंजेशन हटाया गया, गाल ब्लैडर में भी उनको स्लजता हटाया गया। ओम 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 ओम। और उनके इस जो यूरिन पास करने में कुछ चीजें अटक रही थी, अटक रही थी, वो निकाल दी गई हैं, दरबार ने हटा दिया है। ठीक है गुरु जी, तो अब यूरिन आराम से पास हो। हाँ, बीच में गुरु जी 2 दिन बताया था कि नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल, जब मैं आई थी तब ऐसी स्थिति। अच्छा, तो अभी देख रहा है दरबार, तोड़ दिया बीच से। ठीक है, जो फंस रहा था तोड़ दिया गया। ठीक है गुरु जी, अब ट्रैक साफ किया गया है। हाँ ठीक। और लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा? नहीं होगा गुरु जी। उनके रेस्पिरेटरी उनका क्या था? हाँ, उनका जो लीवर साइड है ना। हाँ जी, उसके थोड़ा सा नीचे। हाँ, बहुत पेनफुल था, बहुत पेन था उनको। हाँ, जहाँ अपेंडिक्स होती है। हाँ जी, वहाँ पर उनको पेन बहुत ज्यादा था। ठीक है गुरु जी, ठीक है ना। हाँ, अभी आराम है, अभी कोई कष्ट नहीं है, अब वो काफी अच्छे हैं। दरबार देख पा रहा है कि लीवर ट्रांसप्लांट नहीं होगा। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी एक दो चीजें और पूछनी थी मुझे। थोड़ा धैर्य रखना, भड़बड़ाना नहीं बस। नहीं गुरु जी, यहाँ आने के बाद से कॉन्फिडेंस बढ़ गया है बेटा। डॉक्टर भड़बड़ाएंगे बहुत। हाँ, जल्दी 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 ऐसे करेंगे, मतलब कुल मिला के आपको ये नहीं समझा कि क्या करें क्या करें, फिर लगेगा जो यही कह रहे हैं कर डालो। तो एक होता नहीं कि सेकेंड ओपिनियन जरूर ध्यान रखिएगा, कोई डॉक्टर कुछ भी कहे सेकेंड। अभी डॉक्टर क्या करते हैं ना, आपकी फाइल दबा लेते हैं। हाँ गुरु, आपको ही नहीं देते फाइल, नहीं नहीं फाइल नहीं।
फिर पता है कि फाइल लेके दूसरे के चला जाएगा ये। अच्छा, तो दूसरा डॉक्टर एडवाइस दे देगा तो हमारा क्लाइंट भाग जाएगा। तो दूसरे डॉक्टर से सलाह लेनी हो तो जरूर लेना चाहिए। गुरुजी ने जॉन्डिस की भी बहुत प्रॉब्लम थी जब अभी बेटा, इसीलिए तो लीवर दिक्कत हुई है। अच्छा, लीवर दरबार देख पा रहा है उनको, जो वो क्या बोलते हैं जो इन्फेक्शन है ना, वो करीब 20 के आसपास पहुंच गया था। हाँ, ज्यादा था गुरु जी, 20 के आसपास। तो गुरु जी लेपन उनका बाद में करना, जबकि 10 में ट्रांसप्लांट हो जाता है। हो जाता है, राइट। गुरु जी लेपन करना होगा उनका बाद में। हाँ, लेपन तो आवश्यक। कितने महीने तक करेंगे गुरु जी? कम से कम 6-7 महीने करना। 6-7 महीने गुरु जी, एक और एकदम ठीक होते जाएंगे। गुरु जी हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं, आप एक महामृत्युंजय जरूर कर लेना उनके नाम का, एक महीने के अंदर। हाँ, कर जरूर लेना ध्यान से। ठीक है गुरु जी, आप जरा खड़े हो वो लगा दे, ओम आपके बन, ओम। अब उनको पीलापन नहीं है, ओम। इन दोनों के चारों ओर महामृत्युंजय का आवरण लगा दिया जाए, ओम शिव। सक्रिय कर दिया जाए, बाहरी कोई नकारात्मक ऊर्जा उसका प्रभाव प्रवेश न कर सके, न प्रभावित कर सके। बैलेंस 5 बार बोलिए, नमः शिवाय 7 बार, सॉरी ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलो बेटा, वंदन कीजो 7 बार, 7 times। और जब भी आप उनके पास जाना अस्पताल, तो उनकी एक हथेली पकड़ना, पकड़ लिया। हाँ गुरु जी। और अपने बंधन को 7 बार ओम नमः शिवाय करके खींच देना। ठीक है गुरु जी, एक चीज़ पूछना चाहती हूँ मैं। 10 साल मेरी मैरिज को हो गए हैं और 10 साल में वैवाहिक, बहुत अच्छे इंसान है, मैं भी पूरा करने का प्रयास करती हूँ, बट वैवाहिक जीवन बहुत कष्टमय रहा है मेरा। देख पा रहे हैं। और अभी भी मतलब सामाजिक तौर पर इस स्थिति में भी बहुत कष्ट दे रहे हैं कुछ लोग परिवार के। समझ में आ रहा है, लेकिन अब आगे बहुत अच्छा रहेगा, परेशान मत हो। धन्यवाद। आप दरबार से जुड़े हो, सब रास्ते साफ होते जाएंगे, लोगों की विचार बदल जाएंगे, चिंता मत। धन्यवाद गुरु जी, धन्यवाद। खुश रहो, प्रसन्न रहो। उनको जो आप जो देख रहे पीलापन हो गया था, अब पीलापन नहीं है इस समय, प्रेजेंट टाइम में। हाँ, कम हो गया बता रहे। हाँ, बहुत कम हो गया। आप पूछेंगे बताएंगे आप लोग। ठीक है, खुश रहो बेटा।